हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास 10th के लिए है। आज हम चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसके पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है या बेसिक चीजें जो है उसको हम समझ लेते हैं पहले। तो चलिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट लिखा है, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस यानी कि स्मॉल डी ऑफ एन एपी। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन और जीरो। यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई, जो एपी सीरीज होती है, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, वो होता क्या है, वो एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है। देखिए एन अरिथमेटिक क्या है, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, ये होती है एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है, एक सीक्वेंस होता है, नंबर्स की एक लिस्ट होती है, एक पैटर्न होता है। फिर कह रहा है विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, जिसमें से हर टर्म जो है अपने पहले वाले टर्म में कोई एक फिक्स नंबर एड करने पे ही मिलता है या आता है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को छोड़ के, जो पहला टर्म रहेगा उसे छोड़ के। ठीक है, फिर आगे कह रहा है दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस डी, और जो फिक्स नंबर आएगा यानी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस आएगा उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से। फिर आगे है इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव, फ्रैक्शन और जीरो। तो जो कॉमन डिफरेंस यानी जो डी की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, वो प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, अपॉन में, बटे अटे बटे में भी आ सकता है और जीरो भी आ सकता है। ठीक है, तो चलिए ऐसे आप पहचान सकते हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल लेके आपको बताते हैं। यहां ले ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, चलिए एक एग्जांपल ले ले रहे हैं। हमने मान लीजिए ले लिया एक लिस्ट ऑफ नंबर्स ले लेते हैं। चलिए मान लीजिए ले लिया हमने 2, 5, 8, 11, 14 एंड so on। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो नंबर्स लिए गए हैं ये क्या है, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। देखिए सबसे पहले दिया गया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म को छोड़ के हर टर्म में हम पहले वाले टर्म में, देखिए हर टर्म से पहले वाला जो प्रीसीडिंग टर्म होगा उसमें एक फिक्स नंबर एड करने से हमें टर्म्स मिलते जाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अगर देखते हैं इन दोनों में, देखिए ये यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी कितना आ रहा है +3, यहाँ पे देखेंगे तब भी आ रहा है +3, यहाँ पे देखेंगे तब भी आ रहा है +3, यहाँ देखेंगे तब भी आ रहा है +3, 2 में +3, यहाँ पे देखिए 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5, 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8, 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11, 11 में 3 ऐड करेंगे तो 14, यानी एक फिक्स नंबर क्या है, वो फिक्स नंबर कौन सा, वो फिक्स नंबर है 3, है ना। यानी इन दो कंसेक्यूटिव टर्म्स, यहाँ पे देखिए जैसे 2, 5 है ये कंसेक्यूटिव टर्म्स है, 5, 8 ये कंसेक्यूटिव टर्म्स है, 8 और 11 ये कंसेक्यूटिव टर्म्स है, 11 और 14 ये कंसेक्यूटिव टर्म्स है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं इस सीरीज को पता करने के लिए सबसे पहले हम दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस। देखिए यहीं पे किया गया है 2 + 3 5 5 + 3 8 8 + 3 11 11 + 3 14, यानी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 आ रहा है +3। देखिए 5 - 2 करेंगे तब भी 3 आएगा, 8 में से 3 माइनस करेंगे 8 - 5 तब भी 3 आएगा, 11 - 8 करेंगे तब भी 3 आएगा, 14 - 11 करेंगे तब भी 3 आएगा, यानी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये सीरीज दी गई है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, चलिए और दूसरा एक एग्जांपल ले ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए चलिए हम एक और ले ले रहे हैं, ये तो आपने देख लिया 2, 5, 8, 11, 14 ले लेते हैं। चलिए हम यहाँ पे मान लीजिए नेगेटिव में ले लेते कुछ नंबर 2 - 3 - 8 और - 13 चलिए ले दे रहे हैं एंड सो ऑन, ऐसे करके ले लिया गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक और एग्जांपल ले लिया गया, अब यहाँ पे देखिए 2 - 3 - 8 - 13 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे ये लिस्ट ऑफ नंबर्स जो दी गई आपको पता करना है, मान लीजिए कि एपी में है कि नहीं, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। तो फिर वही क्या बताया गया था आपको, टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, इसमें देखिए टू कंसेक्यूटिव, इसमें देखिए, तो इसमें अगर देखेंगे टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, जब भी डिफरेंस निकालेंगे तो बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करेंगे, यानी -3 में से 2 माइनस करेंगे, यानी कि -3 है, -3 में से माइनस करेंगे 2 को, तो कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा, आएगा यानी यहाँ पे कितना है -5, यहाँ पे करेंगे -8 में से आप माइनस करेंगे यहाँ तो -3, तो कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए 8 में से -3 हम यहाँ करके दिखाते हैं, -8 है, -8 में से हमें माइनस करना है कितना, -3 ऐड करना, -3 तो हो जाएगा -8, यहाँ -5 यानी आ जाएगा कितना, यहाँ देखिए ये 3 है, यहाँ देखिए सेकेंड वाले में से फर्स्ट वाले को, बाद वाले में से पहले को माइनस करेंगे, बाद वाले में से पहले को, बाद वाले में से पहले को,
यानी कि माइनस थ्री में से टू हमने माइनस किया, माइनस थ्री में से टू, यहाँ माइनस थ्री में से टू माइनस किया कितना है माइनस फाइव आया। अब यहाँ देखिए माइनस एट में से हम माइनस करेंगे माइनस थ्री, एट में से माइनस करने कितना माइनस थ्री, ये तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, माइनस एट प्लस थ्री यानी आ जाएगा कितना माइनस फाइव, यानी यहाँ पे भी आया माइनस फाइव। ऐसे आप यहाँ पे माइनस थर्टीन में से माइनस एट माइनस करेंगे अब भी कितना आएगा माइनस फाइव, यानी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस माइनस फाइव आ रहा है, यानी कॉन्स्टेंट आ रहा है। ठीक है, ये देखिए माइनस फाइव माइनस फाइव माइनस फाइव, तो ये क्या है, ये कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट एक फिक्स नंबर है, सेम है, देखिए चेंज नहीं होने वाला है ना, ऐसे यहाँ पे भी ऐसे यहाँ पे भी। तो आपको यही पता करना है एपी सीरीज में, पता करने के लिए जो सीरीज दी गई जो सीक्वेंस दिया गया है वो एपी में है कि नहीं, तो ये पता करने के लिए सबसे पहले टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे। अगर डिफरेंस कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट का मतलब एक फिक्स नंबर आता है यानी सेम नंबर आता है, तो वो क्या हो जाएगा एपी सीरीज हो जाएगी, वो एपी सीरीज है, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, ऐसे चलिए कौन ले ले रहे हैं, एक ले ले रहे हैं, कौन सा चलिए एक फ्रैक्शन वाला ले ले रहे हैं। ठीक है, कैसे मान लीजिए हम थर्ड पोजिशन ले ले रहे हैं, ये दोनों तो आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला और ये वाला, चलिए फ्रैक्शन में ले ले रहे, मान लीजिए हम ले ले रहे थ्री ले ले रहे हैं सेवन अपॉन टू, और यहाँ हो गया मान लीजिए फोर, यहाँ हो गया मान लीजिए नाइन अपॉन टू एंड सो ऑन। यहाँ पे भी देखिए क्या है, ये लिस्ट ऑफ नंबर दिए गए, तो एपी में है कि नहीं, तो सबसे पहले क्या करना है, टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस यहाँ पे सेवन अपॉन टू माइनस थ्री, सेवन अपॉन टू माइनस थ्री अगर करते हैं यहाँ, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे टू आ जाएगा, यहाँ सेवन माइनस सिक्स यानी कितना आ जाएगा वन अपॉन टू, यहाँ आया कितना वन अपॉन टू, ऐसे फोर माइनस सेवन अपॉन टू करेंगे फोर माइनस सेवन अपॉन टू तो आ जाएगा एट माइनस सेवन अपॉन टू यानी आ जाएगा वन अपॉन टू, यहाँ पे भी आया वन अपॉन टू, यहाँ पे भी आएगा वन अपॉन टू, नाइन अपॉन टू में से फोर माइनस करेंगे यहाँ पे भी आएगा वन अपॉन टू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना है वन अपॉन टू वन अपॉन टू वन अपॉन टू, यानी कॉन्स्टेंट आ रहा है, यानी एक फिक्स नंबर आ रहा है ना, सेम है कि नहीं, सेम डिफरेंस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, यानी कि ये क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है। ठीक है, तो यही पता करना है आपको, कोई भी सीरीज दी गई, कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर दिया गया हो और आपको पता करना हो कि एपी सीरीज है यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, तो सबसे पहले टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे, डिफरेंस अगर कॉन्स्टेंट आता है यानी सेम नंबर आता है, सेम नंबर आता है, सेम नंबर आता है, तो क्या हो जाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा, यही पहचान होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। और आपको बताया गया था कॉमन डिफरेंस, जो ये फिक्स नंबर आ रहा है ये क्या है कॉमन डिफरेंस, इसी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, इसी को हम क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पहचानने के लिए कि सीरीज है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, अगर कॉमन डिफरेंस कॉन्स्टेंट आता है यानी फिक्स नंबर आता है, सेम 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 आता है, तब में तो क्या हो जाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। आप कह सकते हैं दिस टाइप ऑफ पर्टिकुलर सीरीज, किस टाइप की, किस टाइप की सीरीज, इस टाइप की सीरीज, इस टाइप की सीरीज, दिस टाइप ऑफ पर्टिकुलर सीरीज इज कॉल्ड एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी इस टाइप की अगर सीरीज मिलेगी इसमें कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, एक कॉन्स्टेंट आएगा डिफरेंस, देखिए तो क्या हो जाएगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान लीजिए, हमने देखिए फर्स्ट वाला लिया था टू फाइव एट, इसके बाद इलेवन फोर्टीन एंड सो ऑन, ये है ना सीरीज, तो यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस हम लोग डी से करते हैं, टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को हम डी से दिखाते हैं, हमने दिखाया यहाँ कॉमन डिफरेंस डी, डी से दिखाते हैं। ठीक है, और जो फर्स्ट टर्म रहेगा, जो पहला टर्म रहेगा उसको हम दिखाएंगे फर्स्ट टर्म, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इसको हम दिखाते हैं स्मॉल ए से। ठीक है, फर्स्ट टर्म जो रहेगा सीरीज का उसको हम कहेंगे फर्स्ट टर्म कहेंगे, जो पहला टर्म उसको हम दिखाते हैं स्मॉल ए से, और जो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस आएगा उसको हम दिखाते हैं डी से, टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस किससे दिखाते हैं डी से, टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच के डिफरेंस को हम किससे दिखाते हैं स्मॉल डी से, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, इस डी को क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस अलग अलग लिखते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालना होता है कैसे निकालते हैं, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस मान लो इस सीरीज में निकालना है तो आपको क्या करना है बाद वाले में से पहले को माइनस करना है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को करना है, यहाँ फाइव माइनस टू देखिए फाइव माइनस टू, इसके बाद एट माइनस फाइव देख रहे हैं एट माइनस फाइव, उसके बाद इलेवन माइनस एट, उसके बाद फोर्टीन माइनस इलेवन, फोर्टीन माइनस इलेवन, अब देखिए सब में कॉमन डिफरेंस जो यानी डी आएगा वो सेम आएगा, फाइव माइनस टू थ्री, एट माइनस फाइव थ्री, इलेवन माइनस एट थ्री, फोर्टीन माइनस इलेवन थ्री, आएगा नहीं आएगा, तो यही पहचान है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं जिस जब भी कोई सीरीज दी जाएगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं ये बताना है, तो क्या करेंगे टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे, ऐसे डिफरेंस कॉमन डिफरेंस यानी स्मॉल डी निकाल लेंगे, और अगर ये सेम आता है यानी कॉन्स्टेंट आता है तो क्या हो जाएगी उस टाइप की सीरीज, वो क्या कहलाएगी उस टाइप की पर्टिकुलर सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज कहलाएगी। ठीक है,
कर लीजिए इसको। इसके बाद चलिए एक हम आपको एक एग्जांपल करके दिखाते हैं, सॉल्व करके इसको कर लीजिए आप। ये समझ में आ गया होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे पहचानते हैं। कोई सीरीज दे दी गई हो, कह दिया जाए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, तो आप बता सकते हैं कि है कि नहीं। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट बताया गया इससे आप पता कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए एक ले ले रहे हैं, यहां मान लीजिए हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, एग्जामिन द सीक्वेंस हम ले लें इसमें क्वेश्चन, कोई सी भी हम सीरीज ले सकते हैं नंबर्स की। एग्जामिन द सीक्वेंस 13, 10, 7, इसके बाद मान लीजिए हम ले लें कितना 4। चलिए ये मान लीजिए सीरीज दी गई, ठीक है। तो यहां पे आगे कह रहा है इज एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कह रहा है एग्जामिन द सीक्वेंस 13, 10, 7, 4 एंड सो ऑन इज एन एपी। क्या ये जो सीरीज दी गई है ये क्या एपी है, एपी सीरीज है? ये पता करने के लिए क्या करेंगे, आपको सबसे पहले बताया गया है। अब सीरीज लिख लीजिए 10, 13, 7, 4 एंड सो ऑन। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आप कॉमन डिफरेंस यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। क्लियर, आपको बताया गया था कोई भी सीरीज दिया गया हो, कोई भी पैटर्न दे दिया गया हो, पूछा जाए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है कि नहीं, उसके लिए क्या बताया गया, टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस है ना, उसको हम क्या कहते हैं, टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच के डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस कहते हैं, उसको हम बोलते हैं डी। तो चलिए यहाँ डी निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ डी निकालना, इसमें देखिए 10 माइनस बाद वाले में से पहले वाले को, सेकेंड में से फर्स्ट को, सेकेंड में से फर्स्ट को, यानी 10 माइनस 13, देखिए 10 माइनस 13, उसके बाद 7 माइनस 10, उसके बाद 4 माइनस 7, देखिए 10 माइनस 13, फिर 7 माइनस 10, फिर 4 माइनस 7, यहाँ माइनस करिए, देखिए यहाँ माइनस करेंगे 10 माइनस 13 कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो 7 माइनस 10 यहाँ भी आ जाएगा -3, 4 माइनस 7 यहाँ भी माइनस करेंगे आ जाएगा -3। यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस जो आया, यानी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस -3, -3, -3, यानी कॉन्स्टेंट आया, यानी एक फिक्स नंबर आया, सेम नंबर आया ना। यानी क्या कह सकते हैं, ये जो सीक्वेंस दिया गया है 13, 10, 4 एंड सो ऑन, ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी एपी है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्टेटमेंट सिंस, यहाँ देखिए ऐसे लिख देंगे, सिंस डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, ऐसे लिख सकते हैं, सिंस डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, ऐसे लिख देंगे आप, सिंस डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स आर सेम, सो इट इज एन एपी। तो हम कह सकते हैं कि इट इज एन एपी, यानी ये सीरीज जो है वो एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, ये तो आप जान गए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पता करना है कि बताइए दी गई सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, तो आप पता कर सकते हैं। ठीक है, और ये याद रखिएगा जो फर्स्ट टर्म, किसी भी सीरीज का जो फर्स्ट टर्म रहेगा उसको हम दिखाते हैं किससे, ए से, फर्स्ट टर्म को ए से, और दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच के डिफरेंस को हम किससे दिखाते हैं, डी से, यानी इसको हम बोलते हैं क्या है, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म को ए से दिखाते हैं स्मॉल ए से, और जो बीच का जो डिफरेंस रहेगा कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो रहेगा उसको हम दिखाते हैं स्मॉल डी से, उसको कहते हैं क्या है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कर लीजिए।